नमस्कार, मैं अचल केडिया क्लिपर 28 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जो पेशे से तो डॉक्टर हैं लेकिन उन्हें राजनीति में आना पड़ा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बेहद ही सरल स्वभाव के लिए अपनी पहचान बना चुकी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी को आज कौन नहीं जानता है। हमेशा ही सरल स्वभाव के लिए लोगों के बीच पहचाने जाने वाली रेणु अजीत जोगी का जन्म 27 अक्टूबर 1950 को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुआ था। लोगों के लिए हमेशा सेवा भाव रखने वाली रेणु जोगी ने MBBS की पढ़ाई की है, साथ ही वो अक्सर जनसेवा करती रहती है। इसी बीच उनका विवाह पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी से हुआ। विवाह के बाद सामाजिक क्षेत्रों में अपनी सहभागिता रखने वाली रेणु जोगी वैसे तो राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं रखती थी, लेकिन पति अजीत जोगी के राजनीति में होने के चलते उन्होंने भी साल 2006 से राजनीति में कदम रख लिया। साल 2006 में ही रेणु जोगी कोटा विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए, जिसके बाद 2008, 2013 और 2019 में भी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर जनता का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। रेणु जोगी का वैसे तो विवादों से कोई नाता नहीं रहा है, लेकिन पति अजीत जोगी और बेटे अमित जोगी के चलते उनको सवाल का सामना भी करना पड़ता है। अजीत जोगी और अमित जोगी के कांग्रेस पार्टी से अलग होने के बाद भी रेणु जोगी ने कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी, बल्कि वो उपनेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी निभाती रहीं। हालांकि एक समय ऐसा भी आया उन्होंने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे में शामिल हो गई और वहीं से 2019 का विधानसभा चुनाव लड़कर जीत हासिल कर जनता की सेवा कर रही हैं। रेणु जोगी ने अपने पति अजीत जोगी पर एक किताब भी लिखी है जो कि काफी चर्चित हुई थी। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।